हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका ज्योग्राफी एडुकेटर अभिनेंद्र वर्मा और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कर दीजिए और अपनी जो भी सुझाव हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। देखिए, मैं इस समय जियोमॉर्फोलॉजी का जो हमारा आपदाओं पर वाला जो सेक्शन है वो इस समय चल रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट पोर्शन है ये हमारा आपदाओं का, ठीक है। इसमें मैंने भूकंप करा दिया था, ज्वालामुखी करा दिया था। आज का जो टॉपिक है भूकंप से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, सुनामी, ठीक है ना। ठीक है, सुनामी जो टॉपिक है वो UPSC में 2014 को शामिल किया गया, ठीक है। उसी के तहत फिर UPSC ने भी इसको 2014 के एग्ज़ाम में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। अभी तक इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कभी कभार टिप्पणियाँ लिखने के लिए जाती हैं या इसको रिलेट कर देते हैं किसी करंट अफेयर से, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसको मैं बता देना चाहता हूँ पहले कुछ, मैं इसलिए मैंने आज कुछ फैक्ट भी लिख दिए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कुछ फैक्टों की बात अगर हम करेंगे तो देखिए, सुनामी जो वर्ड आया है, ठीक है ना, वो हमारी जापानी भाषा से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है तट पर आती समुद्री लहरें। देखिए, पहले मैं आपको ये नामों के बारे में बता दूं, जैसे सुनामी जो नाम है, ठीक है, वो तो एक कॉन्सेप्चुअल नाम रखा गया है, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा हुदहुद के बारे में, लैला के बारे में, तो ये जो अलग अलग तरीके की घटनाओं को जो नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अजीब अजीब नाम आप लोग सुनते होंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है 2003 में जितने भी समुद्र से जुड़े हुए जितने भी देश थे जहाँ पर इस तरीके की समुद्री गतिविधियाँ होती थी, आपदाएँ होती थी, वहाँ पर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने सभी ने अपनी अपनी कंट्री से 10-10 नाम दिए, ठीक है, और सभी कंट्रियों ने मिल के उन नामों को एक लिस्ट तैयार करी। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जब भी कभी इस तरीके की घटना घटित होती है तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका अगला नाम होता है वो उसको नेम उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे ना इस तरीके के अजीब अजीब से नेम्स की हुदूद आ गया है, ठीक है। तो ये सब नेम्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री ने भी दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन सुनामी का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके का नेम नहीं है। सुनामी एक जापानी वर्ड है, इसका मतलब ही होता है तट पर आती समुद्री लहरें। देखिए, समुद्री लहरों से मैंने उसमें जो अगला पॉइंट लिखा है कि ज्वारीय तरंगों से इसका कोई संबंध नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, समुद्र में अगर आप कभी बीच वगैरह पर गए होंगे, समुद्री तटों में तो हमेशा लहरें आती रहती हैं, समुद्री तटों में तो लहरें हमेशा आती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लहरें रेगुलर वे में आ रही हैं, ठीक है, वो आती हैं ज्वारीय घटनाओं की वजह से। ज्वारीय घटना क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा, हमारी पृथ्वी पर जितना भी सागर है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के बलों का निगमन करता रहता है, ठीक है ना। उस निगमन की वजह से क्या होता है कि कई बार जो जल है उसमें स्थितियां विपरीत उत्पन्न होती रहती, जिस वजह से लहरें आती रहती। तो अगर सामान्यतः लहरें आ रही हैं तो वो ज्वारीय घटनाएं हैं, ठीक है ना। ज्वारीय घटनाएं मतलब ज्वार भाटा आपने सुना होगा, ठीक है, लहरों का ऊपर चढ़ना ज्वार और नीचे गिरना भाटा होता है, ठीक है। चंद्रमा की गतिविधियों के कारण ये सब गतिविधियाँ होती रहती हैं। लेकिन जो सुनामी है वो हमारा इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, सुनामी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सुनामी को अगर मैं एक शब्द में कंबाइंड करने की बात करूं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। भूकंप जो है ना हर जगह आते रहते हैं, लेकिन जब वो जैसे भूकंप है भूमि पे कंपन, तो जब भूमि पे कंपन होगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि भाई भूमि हिल रही है, कंपन हो रहा है। लेकिन जब वही चीज़ सागर में होगी तो सागर में क्या हुआ, पानी का इतना ज़्यादा सरफेस एरिया पानी ने कवर कर रखा है कि उसकी सरफेस में जो भी हमारी जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो हमें ठीक प्रकार से नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। तो भूकंप तो महासागरों में हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन कई बार भूकंपीय घटनाएँ इतनी विशाल हो जाती हैं कि उनके कारण जो लहरें हैं वो अपना रुख बदल लेती हैं, अपने तरीके से जो भी उनका रेगुलर मैनर है वो चेंज कर लेती हैं। तो उस तरीके की घटनाओं को हम लोग सुनामी नाम देते हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल ये ऐसा है, आप ये समझ लिए कि आपने एक प्लेट में पानी रख दिया, एक थाली में पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब उस पानी के नीचे आप क्या करिए, उस पानी के उस प्लेट को उठाइए और उसके सेंटर पर थोड़ा सा नॉक कीजिए नीचे से। जब आप नॉक करेंगे, जो जल है थाली के अंदर रखा हुआ वो पूरी तरीके से शांत होना चाहिए। अब उस पर आप जब नीचे से नॉक करेंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक सेंटर जनरेट हो जाएगा और उस सेंटर से चारों दिशाओं में वेव फॉर्म्स होने लगेंगी, मतलब धाराएं जो हैं वो चारों और दिशाओं में बहने लगेंगी।
ठीक है, ये बात हुई जब आपने उसमें जो भी नॉकिंग की है वो धीरे से की। अब आप सोचिए कि अगर आप उसको बहुत तेज़ी से सेंटर पे मार दें तो आप देखेंगे कि उस सेंटर का जो जल है वो कुछ हद तक ऊपर उठ गया है, और ऊपर उठ के जब वो वापस गिरा है ग्रेविटी की वजह से, तो उसने पूरे उस जल में एक उसके जल के मॉलिक्यूल्स में एक अलग तरीके की स्थिति पैदा कर दी, एक अलग तरीके का विक्षोभ पैदा कर दिया है। जो धाराएँ धीरे धीरे बह रही थी उनमें तेज़ी आती जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा सुनामी का, ठीक है। सुनामी के अंदर क्या चीज़ होती है कि जिस तरीके से सागर के बीच में, अभी जैसे हिंद महासागर का हम लोग 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बारे में बात करेंगे, तो मैं पहले सुनामी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो सुनामी महासागरों में क्या होता है कि नीचे प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, प्लेटें होती हैं, या मतलब अन्य भी गतिविधियाँ हो गई, जैसे मतलब बहिजात बल की वजह से वहाँ पर भी धाराएँ उत्पन्न हो गई, संवहन धारा सिद्धांत वगैरह इस तरीके की घटनाएँ हो गई, वो भी ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, वोल्केनोज फट गए, या भ्रंश घाटियाँ बनती चली गई, ठीक है ना। तो मेनली जो है प्लेटों से, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि प्लेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रगड़ने लगेंगी, या फिर एक दूसरे को फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा उनके बीच में, और वो काफ़ी दूर तक एक दूसरे से टकरा के भ्रंश पैदा कर देंगे। और उन भ्रंश की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नीचे से उत्प्लावन बल की स्थिति इतनी ज़्यादा होती है, जो ऊपर से नीचे से जल में उत्प्लावन बल लगता है वो इतने ज़्यादा अधिक मात्रा में लगता है कि हमारा जो महासागर में जो जल है वो कुछ ऊपर तक उठ जाता है। अब उठे हुए जल में क्या होगा, वो अपने आप को बैलेंस करने की स्थिति में, मान लिए इस तरीके से ये हमारा महासागरीय भूपर्पटी हो गई और इसके ऊपर ये जल हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए एक फोर्स ऊपर अप्लाई हो गया उत्प्लावन बल, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से उठ जाएगा। अब ये जो उठाव है ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर दिशा में इस तरीके से फ्लो होता चला जाएगा। सामान्यतः 1 मीटर की ऊँचाई तक ये उठता है, सामान्यतः 1 मीटर तक ऊंचाई तक ये उठेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये लहरें हमारी धरातल की तरफ बढ़ती हैं, तो क्या होगा कि जो पानी का लेवल है वो धरातल तक कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि एक लहर जो धीरे धीरे आ रही थी और यहाँ पर इस तरीके से ये धरातल की स्थिति आ गई, ये मान लीजिए धरातलीय भूमि है, ये मान लीजिए धरातलीय भूमि है और ये लहरें धीरे धीरे आ रही थी, अभी धरातल ऐसे ऊपर उठता जा रहा है और यहाँ सरफेस है, अभी लहरें आ रही थी, अब जैसे लहरें इस पर टकराएंगी तो ये भी इसके साथ साथ और ऊंची होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो 1 मीटर की 1 मीटर की ऊंचाई तक की लहरें वहाँ से उत्पन्न होती हैं सेंटर से, और धरातल तक पहुँचते पहुँचते उनकी ऊंचाई कई सौ गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक कहते हैं ना, एक अतिशोक्ति परिवर्तन हो जाता है, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है कि वो एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। अब दूसरी इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि जब वेव फॉर्म में ये चीज़ें दौड़ती हैं, ठीक है, ये जो लहरें हैं वेव फॉर्म में चलती हैं, तो वेव फॉर्म के अंदर तरंग दैर्ध्य का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जैसे इस तरीके से अगर हम एक वेव बनाएंगे ये, तो ये ऊपर वाला होता है श्रृंग, इसको बोलते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं गर्त, क्रस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, श्रृंग और गर्त। अब दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो जो सुनामी में जो लहरें निकलती हैं उसमें 160 किलोमीटर तक वेवलेंथ होती है। सोचिए एक श्रृंग से या एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी ही 160 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करती चली जाएगी और हमारे धरातल की तरफ बहुत ही जल्दी आती चली जाएगी। मतलब आप सोचिए कि 10 जब ये 2004 की घटना हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे के अंदर 11 कंट्रियों में वो लहरें पहुंच गई थी। सोचिए इतने कम टाइम में, क्यों, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड थी जिस कारण वो 15 घंटे के अंदर अंदर उसने सब तरफ तबाही मचा दी थी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि सुनामी का। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा रिसेंट जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी। देखिए सुनामियां तो बहुत आई हैं, लेकिन जो परफेक्ट सुनामी की जो बात कही गई है जिसके बाद से सुनामी का अस्तित्व हम पढ़ने लगे, वो है 26 दिसंबर 2004 की सुनामी, ठीक है। सबको याद होगा हिंद महासागर में ये सुनामी आई थी, इसको काला दिन कहा जाता है। 11 कंट्रियां इसमें प्रभावित हुई थी, 11 कंट्रियों से लगभग 28 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी,
ठीक है, 28 लाख लोग की जान चली गई थी, और इसलिए इसको काला दिन भी कहते हैं। इस दिन को 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो भूकंप का केंद्र था वो सुमात्रा द्वीप था इंडोनेशिया का। ये देखिए आप इस डायग्राम को समझिए थोड़ा सा, सुमात्रा द्वीप ये रहा, ये अधिकेंद्र था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ हुआ इसका जो कारण था, इसके बाद ये जब घटना हो गई तो 4 महीने बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर वहाँ पर चेक करने गए कि इतनी विशालकाय लहरें किस तरीके से उत्पन्न हुई। तो उन्हें वहाँ जाके पता लगा कि जो हमारी ये भारतीय प्लेट है, अब देखिए भारतीय प्लेट में तो और भी कंट्रियाँ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता ही है, ठीक है, लगभग मैं बात करूं तो 55-60% एरिया जो है वो भारत का आ जाता है प्रायद्वीप का, इस वजह से उसको हम भारतीय प्लेट कहते हैं। तो देखिए ये भारतीय प्लेट जो है, ये वाली जो मैंने ये बॉक्स में बनाया हुआ, इस भारतीय प्लेट से बर्मा की प्लेट जो है वो आपस में रगड़ खा गई, मतलब उसके बीच में इतना फ्रैक्शन जनरेट हो गया और वो आपस में टक्कर होने के कारण ही इस तरीके की लहर जो है उत्पन्न हुई। सेंटर इसका जो बात की जाए वो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया जो था वो इसका सेंटर था, पूरी तरीके से सुमात्रा द्वीप वहाँ पर तबाह हो गया था। अब देखिए, अब ये भी पूरी, जैसे मैंने बताया ना शांत जल में एक पत्थर फेंक दीजिए तो वो वेवफॉर्म में बढ़ता जाता, उसी तरीके से ये भी ये ब्लू ब्लू लाइंस जो दिख रही हैं, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा फैलते फैलते इसने 11 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और काफ़ी सारे जनधन की हानि हुई, ठीक है। अब भारत का जो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो तमिलनाडु का नागपट्टनम एक ज़िला है, ये नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला जो है वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित था। सुमात्रा द्वीप अधिक प्रभावित था क्योंकि वहीं पर इसका सेंटर था, और हमारा श्रीलंका भी लगभग 75% तबाह हो चुका था, ठीक है, और भी 11 कंट्रियाँ टोटल इसमें जनधन की हानि हुई थी, ठीक है। ये इस तरीके की घटना हुई थी 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। अब मैं कुछ इसके फैक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट में देखिए, बहुत लंबी तथा कम कंपन वाली लहरें होती हैं, देखिए मैंने आपको बताया था उनमें एनर्जी कम होती है मगर स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, और फिर धरातल तक आते आते क्या होगा कि जो वेवलेंथ है, आप कोई मान लीजिए कोई लहर इस तरीके से, ये सर्वाधिक मतलब इसमें इसकी वेवलेंथ बहुत है, अब ये जैसे जैसे धरातल तक बढ़ेगी तो इसकी क्या होगा, लेंथ जो है वो धरातल की सतह से टकराते टकराते जो लंबाई थी वो किस में चेंज हो जाएगी, ऊँचाई में चेंज हो जाएगी। तो ये लगभग 200-250 फीट ऊँची लहरें उत्पन्न होने लगेंगी, ठीक है। अब जब 200-250 फुट ऊंची लहरें, ठीक है, जल में क्या होता है, जल जो होगा वो खुद सर्वाधिक जब वेलोसिटी से वो किसी पर अटैक करेगा तो सबसे विनाशकारी होता है। अब 200-250 फुट ऊंची लहरें पूरी तरीके से जनधन की हानि तो करेंगी, ठीक है ना। तो अगला है कि जापान के उत्तर पूर्व में 11 मार्च 2004 को, इसके बाद की जो घटना है वो ये है, 11 मार्च 2011 को भूकंप आया था जापान में, ठीक है, 9 रिक्टर पे माने का। आप देखिए जो 8.9 लगभग 9 रिक्टर है, और मैंने आपको कल रिक्टर पैमाना बताया था, तो रिक्टर पैमाने मैंने आपको क्या बताया था, 0 से 9 उसका मैक्सिमम नंबर ही 9 होता है। आप सोचिए इतनी, मतलब एक रिक्टर पैमाने के बिल्कुल लास्ट छोभ तक का भूकंप आता है तब इस तरीके की घटनाएं जनरेट होती हैं। तो 8.9 रिक्टर पैमाने से ही ये 2004 की लहर, वो 2004 की सुनामी आई थी, और जापान में सर्वाधिक भूकंप आते ही हैं ज्वालामुखी विक्षोभ के कारण, ठीक है, और अनेक घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। उत्तर पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को भूकंप आया था 9 रिक्टर पैमाने का, और उसके बाद फिर एक भीषण सुनामी आई थी जिसमें वहाँ के लगभग 55,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ों का निर्माण हो चुका है, जैसे एक डार्ट प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसका मतलब होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये एक फंक्शन तैयार किया है 23 देशों की टीम ने मिलके, और इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि 2 चरणों में काम करता है, एक आपका सुनामीटर और दूसरा सिग्नलिंग एंड कंप्यूनेटिंग, ठीक है। सुनामीटर किस तरीके से वर्क करता है, सुनामीटर एक ग्राफ प्लॉट करता है जितने भी आसपास की हवाएं हैं, प्रेशर कंसंट्रेशन टेम्परेचर, जितने भी हमारे फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करता है। उस ग्राफ
को पढ़ के सुनामीटर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितने टाइम बाद तक सुनामी आने की संभावना है। यह कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा वक्त में आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। उसका सिग्नलिंग एंड कंपोनेटिंग क्या करता है, सिग्नलिंग 2 फैक्टर में वर्क करता है हमारा डार्ट, सुनामीटर से वो उसका जो भी भूकंप की जो भी भविष्यवाणी है वो कर देगा, और सिग्नलिंग एंड कंपोनेटिंग जो प्रोग्राम है वो उसके आसपास के जो प्रवाहित होने वाले इलाके हैं उसमें सिग्नल्स भेज देगा, वहाँ पर जो भी ऑफिसेस बने हैं वहाँ पर जाके वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। लेकिन 2004 की घटना के बाद अक्टूबर 2007 में भारत ने विश्व की सबसे ज़्यादा मतलब डार्ट से भी ज़्यादा फास्ट टेक्निक हम लोगों ने फास्ट टेक्निक हमारे इंडिया ने उसको डेवलप कर लिया, ठीक है। उसका नाम है सुनामी चेतावनी प्रणाली, ठीक है। देखिए डार्ट जो था वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो प्रोग्राम 8 घंटे में मतलब वो जस्ट 8 घंटे पहले ही आपको बता देगा कि ऐसा होने वाला, मतलब उसको उस प्रोग्राम की भविष्यवाणी के लिए आपको कम से कम 8 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन जो हमारे भारत की जो तकनीक है सुनामी चेतावनी प्रणाली, ये 20 मिनट में पता लगा के बता देते हैं कि सुनामी आने की संभावना है या किन प्रदेशों में या किन देशों में वो सुनामी आने की भीषण क्षति की संभावना है, ठीक है। अब इसका देखिए राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, जहाँ से ये हमारा सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है वो ऑपरेट होती है, इनकॉइस INCOIS इनकॉइस का जो हेड ऑफिस है वो हमारा हैदराबाद में ही। देखिए मैं फैक्टर बता दे रहा हूँ काफ़ी सारे। अब देखिए अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी जैसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन हमें उनको उस समय इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो 1650 में, ठीक है, जब सुनामी का लोगों को ज्ञान ही नहीं था, तो 1650 में भी संतोरिनी द्वीप, ग्रीक में एक द्वीप है संतोरिनी द्वीप, वहाँ पर पूरा का पूरा जो द्वीप है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था सुनामी की वजह से, ठीक है। अब 2004 और 2011 के बीच की सुनामी में 2009 में भी सोलोमन द्वीप पर 8 रिक्टर का भूकंप आया था जिस कारण सुनामी उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना। तो सुनामी का इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी, सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। कोशिश करिएगा इस वीडियो को 2-3 बार देख के सारे फैक्ट्स आप लोग लिख लीजिएगा, बोर्ड से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सुनामी इतना कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप रनिंग है, ठीक है, जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह के मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, तो जो इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।